हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। तो यार वो मेरे 10-15 जो चाहने वाले उनके लिए मैं फिर से वापस आ चुका हूँ। हम लोग बात करें द एम्पायर जो कि हॉटस्टार पर रिलीज हुई। इसमें टोटल 8 एपिसोड थे जिसके हर एक एपिसोड ऑलमोस्ट 35 मिनट से लेके 53 मिनट्स के बीच में ही है। लेकिन उससे पहले एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि हिस्ट्री वॉज नॉट माई फेवरेट सब्जेक्ट, लेकिन सूनर और लेटर आई रियलाइज कि हिस्ट्री जैसा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी कोई नहीं। अगर आप लोग कोशिश करोगे ना तो यार बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था। और हर एक राजा ने, चाहे वो राजपूत हो, चाहे वो मराठास हो हमारे, चाहे वो मुगल्स हो, सब राजा ने अपने वक्त में जो जो चीजें की है वो आप लोगों को शॉक भी कर देगी, बहुत कुछ सोचने पर मजबूर भी कर देगी, और बहुत कुछ आई थिंक इंस्पायर भी कर देगी। कुछ लोग ऐसे हैं जो हेट रिव्यूअर्स को फॉलो करती है, उनकी जो आइडियोलॉजी उनके अंदर पूरी तरह से हेट भर गया। तो वो तेल लगाओ डाबर का और नाम मिटा दो बाबर का, अगर वो थिंकिंग लेकर इस वीडियो को देख रहे हो तो भाई इस वीडियो से जा सकते हो। खैर बात करेंगे ऑनेस्टली इस शो के बारे में। तो शो की कहानी स्टार्ट होती है वैसे तो 1526, जहां पर हमें नजर आते हैं बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, यानी कि बाबर ने जब हिंदुस्तान पर पहला अटैक किया तो उनका सामना हुआ था इब्राहिम लोदी से। लेकिन उस बैटल को वहीं पर स्टॉप करके हमें 30 साल पहले, यानी कि बाबर जब 14 साल के थे और उनके फादर उमर शेख फरगाना पर हुकूमत करते थे, फरगाना किंगडम पर, तो उस वक्त शैबानी खान नाम का एक एनिमी उस किंगडम पर हमला करना चाहता था, यानी कि भीनू मौर्या के कैरेक्टर। उसके बाद कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते, कैसे 14 साल का बाबर उस वक्त क्या कुछ करता, फिर कैसे बड़ा होने के बाद वो हिंदुस्तान पर अटैक करता है, और इस दौरान उनके साथ क्या कुछ चीजें होती है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये पर्टिकुलर शो देखना पड़ेगा। शो के अगर कॉन्सेप्ट की बात करो तो कहानी बेस्ड है एक फॉरेनर एलेक्स रदरफोर्ड के नॉवल एम्पायर ऑफ द मुगल्स रेडर्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट नॉवल पर। अब वो नॉवल पे कितनी हद तक चीजें सच लिखी, कितनी हद तक फिक्शनलाइज की है वो मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने वो नॉवल्स नहीं पढ़ी। और अगर राजा महाराजा की बात करो तो हमारे हिस्ट्री में इतनी छेड़छाड़ हो गई, इतनी छेड़छाड़ हो गई है कि कौन सी सही है कौन सी गलत है वो हमको पता ही नहीं चलता। और हिस्ट्री को एक जानकारी के लिए कि उस वक्त के दौर में क्या कुछ चीजें चलती थी, कैसे चलती थी, वो जानकारी के हिसाब से उसको पढ़ो तो बहुत ही ज्यादा मजा आता है। और शो के अगर एग्जीक्यूशन की बात करो तो शो को बहुत ही अच्छी तरह से आगे बढ़ाया। मैं बोलता हूँ शो स्लो नहीं है, मेकर्स ने बहुत ही अच्छी कोशिश की है, ये नॉट द वेरी बेस्ट कोशिश बट उन्होंने बहुत अच्छी कोशिश की है। और जो चूतिया बोलेगा कि गेम ऑफ थ्रोन्स के टक्कर की, तो भाई वो आप लोगों का चूतिया काट रहा है, गेम ऑफ थ्रोन्स की कहीं पे भी क्लोज नहीं है। बट हमको ये उनकी तारीफ करनी पड़ेगी, वो लोगों ने एक अच्छा अटेम्प्ट किया चीजों को अच्छी तरह से प्रेजेंट करने की, ठीक है। उसके बाद शो में कैरेक्टर्स की बात करो तो यहाँ पर लॉट्स ऑफ कैरेक्टर है जिसके बारे में आपको आई थिंक उनके काफी डिफरेंट शेड्स यहाँ पर आपको देखने को मिले, और कुछ ऐसे कैरेक्टर है जो शायद आप जिनसे हेट भी करोगे, लेकिन शो जैसे जैसे प्रोग्रेस करेगा वैसे वैसे मतलब कहीं ना कहीं सिंपति आपके अंदर आएगी। जैसे कि फॉर शैबानी खान, आई थिंक वो कैरेक्टर में जो डेवलप किया है यहाँ पर, और उसके और लेडी खानजादा के बीच की जो केमिस्ट्री है उन कैरेक्टर्स के बीच की, मतलब यू विल लव देम यार, मतलब मजा आ गया। उसके अलावा वजीर खान हो गए, मतलब ईच एंड एवरी कैरेक्टर हैज समथिंग टू टेल यू, और वो चीज इस शो की मुझे बहुत अच्छी लगी। हालांकि शो को ज्यादा स्लो नहीं किया ये सारी चीजों की वजह से, वरना अगर शो को स्लो कर देता तो शायद वहां पर ऑडियंस थोड़ी बोर हो सकती थी। लेकिन 8 एपिसोड मैंने वन शॉट में देखे, मुझे पर्सनली कहीं बोर नहीं हुआ। हाँ वो जो म्यूजिक थे, वो जो सॉन्ग्स थे, वहां पर थोड़ा बहुत बोरियत हो रही थी, लेकिन ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ एन इंडियन, जब भी कोई इंडियन प्रोडक्ट बनता है तो उसमें सॉन्ग्स डालना बहुत जरूरी होता है, तो वो सारी चीजें हैं यहाँ पर, ठीक है, एंटरटेनमेंट पर्पज से अच्छा भी लगता है। शो की सिनेमेटोग्राफी, देर इज अ प्लस पॉइंट, देर इज अ माइनस पॉइंट। कुछ सीन्स बहुत अच्छी तरह से शूट हुए, कुछ सीन्स में VFX भी ठीक ठाक है, लेकिन कुछ सीन्स में VFX आर पैथेटिक। और जब लोग इस तरह के शोज बनाते तो यार मैं एक ही चीज बोलूंगा कि प्लीज यार बजट को बढ़ाओ, VFX को बहुत अच्छी तरह से करो, क्योंकि जब आज की तारीख में OTT आने की वजह से एक वर्ल्ड वाइड ऑडियंस देख रही है, तो जो ऑडियंस गेम ऑफ थ्रोन्स देखती है, जो ऑडियंस इस तरीके की शोज देखती है, बड़े बड़े शोज, तो वो लोग जब इंडिया के ये शो को देखेंगे एक एक्सपेक्टेशन लेके, तो वो जो VFX का डिपार्टमेंट है वहां पर थोड़ा बहुत बोरियत होती है, या ऐसा लगता है कि यार ये क्या हो गया, ये क्या चीज बता रहे, तो वो चीज मुझे यहाँ पर बुरी लगी। बट नेवर द लेस ठीक है यार, इंडियन से तो हमको सपोर्ट करना चाहिए और हमको उनको एंकरेज करना चाहिए कि यार इससे भी बेटर आप लोग कर सकते हो और करोगे तो बहुत अच्छी बात है। और देखो यार मैं फिर भी बता दूं कि जो लोग यहाँ पर मुगल्स को या किसी भी राजपूत या मराठास को हेट करते, तो मैं बोलूँगा हेट किसी को भी मत करो भाई, प्लीज। हिस्ट्री में वो सब लोग आए थे, सब लोगों ने अपने कारनामे किए, सब लोगों ने बहुत सारी ऐसी चीजें की जो मतलब आपकी सोच को भी बदल के रख देगी। तो यार बस हिस्ट्री को हिस्ट्री तक ही रहने दो और शो को एज एन एंटरटेनमेंट इंजॉय करना। शो का BGM मुझे बहुत अच्छा लगा, कुछ की जगह पे मतलब वो जो बैकग्राउंड म्यूजिक है ना, वो सीन्स के जो लेवल को बढ़ाता है ना, वो मजा आ गया। और शो में आपको पॉलिटिक्स देखने को मिलेगी और लालच देखने को मिलेगी, जो कि हमेशा जब भी कोई राजा होता तो उसके जो अंदर होते हैं उनके घर वाले ही वही हरामी होते हैं, और वो चीज़ आप लोग यहाँ पर भी देखोगे। लेकिन स्पेशली शो में जो वुमेन्स है, फीमेल्स कैरेक्टर्स है, उनको काफ़ी हद तक मतलब
बड़ा बताने की कोशिश किया। मुझे नहीं पता कि मोगल्स के दौर में फीमेल्स लोगों की इतनी इंपॉर्टेंस थी या नहीं, मुझे आई डोंट नो दैट मच, बट जिस तरह से शो में फीमेल्स को बताया ना, वो चीज़ आज भी होती है। आज भी जो फीमेल्स होती है ना, देखो घर में कभी कोई बड़े झगड़े होते हैं या कुछ चीज़ें होती है ना, तो उसमें मैक्सिमम फीमेल्स का हाथ होता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि फीमेल्स बुरे होते हैं, लेकिन मैक्सिमम ऐसा होता है। तो इस शो में भी आई थिंक फीमेल्स कैरेक्टर को जो इंपॉर्टेंस दी है, और स्पेशली दृष्टि रमी जिसने यहाँ पर लेडी खानजादा और एहसान दौलत यानी शबाना आजमी, इन दोनों के कैरेक्टर को ओ हो क्या मतलब बताया है यार, मजा आ गया। उसके अलावा बहुत सारे सपोर्टिंग कैरेक्टर्स जो इविलिश फीमेल कैरेक्टर्स हैं, जिनको भी देखकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। और मोर और लेस कहो तो यार फीमेल कैरेक्टर्स की अच्छी खासी इंपॉर्टेंस बताई है इस शो में। उसके शो में अगर एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करो तो यार कुणाल कपूर मुझे ना जोधा अकबर के ऋतिक रोशन टाइप लग रहे थे, बट आई थिंक शायद वो इस कैरेक्टर की डिमांड थी तो इस वजह से वो इस तरह से एक्ट कर रहे थे, बट ठीक है उन्होंने जस्टिस किया अपने रोल को। लेकिन हाँ डीनू मोरिया सम वे और अदर कह सकते कि वहां पर वो शॉक भी कर रहे थे हमें कुछ सीन्स में, और कुछ सीन्स में हमें ऐसा लग रहा था कि वो एक सस्ते अलाउद्दीन खिलजी बता रहे, मतलब ऐसा लग रहा था, मुझे ऐसा लगा बट पता नहीं। बट डीनू मोरिया ने यार मजाक मजाक नहीं यार बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। दृष्टि हमें उनका भी काम मुझे बहुत अच्छा लगा, शबाना आजमी का बहुत अच्छा लगा काम, एंड इमाद शाह यानी नसरुद्दीन शाह के हमारे जो बेटे साहबजादे हैं, जब मैंने इस शो की शुरुआत देखी थी तो मुझे लगा था इस शो में नसरुद्दीन शाह को होना चाहिए था। लिटरली मतलब एक कैमियो भी होता ना तो एक अलग इम्पैक्ट होता है, लेकिन जब मैंने इमाद शाह को देखा तो यार यस कुछ मजा आएगा। लेकिन इमाद शाह मुझे देखो यार उन्होंने परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा, लेकिन जो उनका लुक था ना वैसा लग रहा था कि वो टाइम ट्रेवल करके 1526 में चले गए हो या उससे पहले चले गए, मतलब वो ऐसा लग रहा था। मतलब थोड़ा गेटअप में उनके थोड़ा बदलाव होता तो शायद अच्छा लगता। मतलब ईच एंड एवरी वन, चाहे वो जो नए एक्टर्स थे जिन्होंने हुमायूं कामरान और उसके अलावा जो उनके स्टेप मदर का रोल प्ले किया, मतलब सब लोगों ने अपने इस रोल को बहुत ही अच्छी तरह से निभाया। एंड सीजन वन की कहानी कंप्लीट हो चुकी है, और सीजन टू में हमें जो जो चीजें देखने को मिलेगी यानी कि हुमायूं वर्सेस कामरान, वो काफी इंटरेस्टिंग होगा। उसके अलावा काफी कुछ चीजें होगी, आप देखते हैं कि सीजन टू हमें क्या लेकर आ सकता है। डायरेक्शन वाइज भी मुझे चीजें अच्छी लगी, एडिटिंग वाइज भी चीजें अच्छी लगी, बट आई थिंक 8 एपिसोड इज नॉट, एक एपिसोड और एडिट कर सकते हैं, 7 एपिसोड के शो हो सकता था। ओवरऑल इट्स एन ओके शो, इट्स एन नाइस शो, बहुत कुछ आपको देखने को मिलता है। और फिलहाल ये सिर्फ मोगल्स पर ही फोकस करता है, मतलब यहाँ पर कुछ दूसरे लोगों को बताया नहीं है, इट्स ऑल अबाउट मोगल्स। अब देखो कि आपको देखना है या नहीं देखना वो आपकी मर्जी है, शो एंटरटेनमेंट पर्पज से बनाया जाता है। और मुझे नहीं लगता कि आजकल की ऑडियंस इतनी चूती है कि किसी शो को देखकर कुछ एक्सट्रीम लेवल पर जाएगी कुछ करेगी, मुझे नहीं लगता है। आज की तारीख में लोगों की इतनी फटी पड़ी, और हम जैसे लोगों की जो हर दिन खड्डा खोद रहे पानी पी रहे वो हिसाब है। तो यार बस इस वीडियो में इतने पेरेंटल गाइडेंस पे इतने बोलूंगा। शो में काफी हद तक आपको वॉयलेंस, वो जो मुंडी कटने वाले सीन्स, वो जो बैटल सीन्स वो देखने को मिलेंगे, और गेम ऑफ थ्रोन्स वाले एडल्ट सीन्स नहीं है। इंडियन पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वो एडल्ट सीन नहीं है, बस वो वॉयलेंस वाले सीन्स है, वो कुछ ऐसे माइनर से एडल्ट सीन्स है, बट वैसे उस लेवल वाले एडल्ट सीन्स नहीं है जो मतलब हम लोग इस तरीके के शोज में काफी हद तक देख चुके हैं। तो हिंदी हद मत देखो, अकेले बैठ के देखो, और एडल्ट से घर में तो यार इंजॉय करोगे। शो का रेटिंग दूंगा 7.5 आउट ऑफ 10, फॉर मी इट्स अ वॉचेबल शो, आई हैव एंजॉयड दिस शो एंड आई विल बी वेटिंग फॉर सीजन टू। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही, आई होप आप लोगों को ये बड़ा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करो, नहीं अच्छा तो डिसलाइक करो, और हाँ कमेंट्स करो, क्योंकि आप लोग कमेंट्स नहीं करते, कमेंट्स नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा। बाय, टेक केयर।